सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पति पत्नी और वो, और फिर हत्या के बाद आत्महत्या। हत्या के खुलासे से पहले ही पति ने फंदा लगाकर खुद को खत्म कर लिया। 10 घंटे से भी कम समय में क्राइम ब्रांच ने किया घटना का खुलासा। गोरखपुर में मुहर्रम की 10वीं तारीख की रात जुलूस देखने के लिए अपने घर से निकला जहीन उर्फ मोनू पुत्र महताब आलम वापस अपने घर चिनगी शहीद तुर्कमानपुर नहीं पहुंचा। थाना राजघाट इलाके के रहने वाला जहीन अचानक से गायब हो गया था। घर वालों ने तमाम खोजबीन करने के बाद राजघाट थाने पर इसकी सूचना दिया। 12 सितंबर को जहीन की गुमशुदगी दर्ज की गई। 2 दिन बीत जाने पर भी जब स्थानीय पुलिस जहीन का कोई पता नहीं लगा पाई तो बात पुलिस कप्तान डॉक्टर सुनील गुप्ता तक पहुंची तो उन्होंने गुमशुदा की तलाश में क्राइम ब्रांच को उतार दिया। इसके बाद सर्विलांस व सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जहीन को तलाश किया जाने लगा। अंतिम लोकेशन के आधार पर सीसीटीवी फुटेज की क्राइम ब्रांच ने छानबीन शुरू किया जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए जिनको पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया। और फिर 5 दिनों से चल रहे इस खेल को क्राइम ब्रांच ने महज 10 घंटे से भी कम समय में खत्म करते हुए एक शानदार खुलासा कर दिया और गोरखपुर पुलिस के खाते में एक और उपलब्धि दर्ज करा दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीओ क्राइम प्रवीण सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान संदिग्ध सुहेल पुत्र रहमत व गोलू ने बताया कि हम लोगों ने गुमशुदा जहीन को कयामुद्दीन के साथ मिलकर उसको जान से मार दिया और उसकी लाश को बर्फखाना के पास कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। सुहेल व गोलू ने यह भी बताया कि गुमशुदा जहीन का संबंध कयामुद्दीन की पत्नी जैनब से था जिसकी जानकारी होने पर कयामुद्दीन ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था लेकिन कुछ दिनों बाद पुनः दोनों में बातचीत होने लगी थी। इसके बाद कयामुद्दीन और जैनब ने अपने पारिवारिक जीवन को खराब करने का जिम्मेदार जहीन को मानते हुए उसको रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और इसके लिए उन दोनों ने मुहर्रम की 10वीं का दिन चुना। इसके बाद घटना को अंजाम देने के लिए कयामुद्दीन ने अपनी पत्नी व दोस्त गोलू व सुहेल के साथ मिलकर मुहर्रम के दिन जहीन का काम तमाम कर दिया। कयामुद्दीन ने मुहर्रम के 10वीं को अपनी पत्नी से जहीन को मेवातीपुर में फोन कर बुलवाया और अपने साथी गोलू व सुहेल के साथ मिलकर जहीन को बेसबॉल बैट से प्रहार कर जान से मार दिया। उसकी लाश को कब्रिस्तान में ले जाकर गाड़ दिया। जब घटना का खुलासा हो गया तो क्राइम ब्रांच और राजघाट पुलिस ने नायाब तहसीलदार नीलम तिवारी के साथ कब्रिस्तान पहुंचकर अभियुक्तों की निशानदेही पर जहीन की लाश को बरामद किया। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात अभियुक्त कयामुद्दीन का वारदात के अनावरण से पहले यानी रविवार की सुबह 10 बजे करीब अपने घर पर छत पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेना रहा। इस सनसनीखेज घटना में शामिल रहे मृतक कयामुद्दीन की पत्नी जैनब और उसके दोनों दोस्तों को राजघाट पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर तुर्कमानपुर में जहीन के घर में आसपास लोगों का हुजूम जुटा रहा और आसपास पसरे सन्नाटे को घर में मौजूद औरतों के रोने की आवाजें तोड़ती रहीं।